अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आप देख सकते हो मैं मॉर्निंग में उठी 7:30 को रोटी वगैरह बना रही थी भाई के लिए नाश्ता, तो मैंने एक दो दिन से वीडियो डाली नहीं थी, तो सोचा अभी बना लेती हूँ क्योंकि कुछ काम से हमें बाहर जाना पड़ रहा था। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है इसीलिए उनको हॉस्पिटल वगैरह लेके जाना पड़ रहा था हरदम। तो फिर अभी मैंने ये रोटी बनाई, रोटी माशाल्लाह बहुत अच्छी बनी, अच्छे से फूलती भी है और देखो कितनी अच्छी लग रही रोटी। उसमें हल्का सा मैं तेल लगा देती हूँ, भाई जब जॉब पे जाता है तो उसको जब टिफिन करने लगती हूँ ना तो तेल लगा के रखती हूँ ताकि रोटी नरम रहे, और वाकई 4-5 घंटे के बाद भी रोटी अच्छे से नरम रहती है और टेस्ट भी थोड़ा अच्छा आता है खाने वगैरह में। भाई के लिए रोटी वगैरह मैंने बना के रख दी साइड में, फिर मैं घर वालों के लिए भी भाजी साथ में बना रही थी, और अभी तो ठंडी का मौसम है तो वटाना मोस्टली रहता ही है, तो मैं सबके लिए मसाले वाला थोड़ा भाजी बना रही थी कि एटलीस्ट हम मॉर्निंग में थोड़ा खा पी के निकलेंगे शॉपिंग के लिए। आज हमारा प्लान था शॉपिंग के लिए, तो मैं मेरी अम्मी साथ में ही, मोस्टली अम्मी जहां जाती मुझे पक्का लेके जाती है, तो मैं अम्मी निकले शॉपिंग के लिए। ट्रेन में अंटी बेच रही थी ये मौसमी, और मौसमी बोलती मीठा है, वाकई मीठा था, बिल्कुल मीठा नहीं, इतना खट्टा था, बोलती खा लो उसके बाद पैसे दो, खाने के बाद तो इंसान पैसा देता ही है। फिर हमने शॉपिंग वगैरह की, अम्मी ने खजूर लिए, अच्छे से मोल भाव कर रही थी, मेरे को बड़ा मजा आता अम्मी का मोल भाव देख के। फिर अम्मी ने पर्स लिया, अम्मी ने वीडियो बनाने मना किया था तो अम्मी ने पर्स लिया, तो माशाल्लाह पर्स बहुत अच्छा था। मैंने बोला पर्स टांगोगे तो ही मैं लूंगी, तो अम्मी पर्स टांग के चले थे, मैं पीछे वीडियो बना रही थी, अम्मी ने वीडियो बनाने मना किया था इसलिए ऑल शॉपिंग का वीडियो बना नहीं सकी। फिर मीठा पान लिया, फिर घर पे आए, कचौरी भी लिया था हमने, कचौरी वगैरह खाए, मस्त ने इंजॉय किया। आप देख सकते हो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखी हुई थी और फिर मैंने उसको फ्राई की, माशाल्लाह बहुत अच्छा चिकन बना था, आप देख सकते हो कितना टेस्टी बना है। आप लोग प्लीज चैनल को लाइक करिए, सपोर्ट।